दोस्तों, राम 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 देवांशी सर्दियों की टोपी में बहुत ही प्यारी लग रही है। हेलो कर दो। जय हिंद बोलो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। चलो नया ब्लॉग शुरू करते हैं। हमें खुद भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं बाबू, मैं हीरो, मैं कभी नहीं लाऊंगा स्कूल में जीरो। ये सारे इमोजी ड्राइंग ना रुद्दु ने बना रखे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एकर बनाओ। हाँ यहाँ पर बनाओ। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है। क्या बात है रुद्दू, कुडूस, बहुत बढ़िया। थैंक यू डैडी। किसने सिखाया? मैम ने। मैम ने। दोस्तों, कैप्टन मामा के साथ रहेगा और हम जा रहे हैं। जल्दी आ जाएंगे, है ना? हाँ, मामा पढ़ाई कर ले घर पे। चल कैप्टन, आ जाएंगे जल्दी। जल्दी आ जाएंगे कैप्टन। कैप्टन कम 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 कम। दोस्तों, रुद्दु पहली क्लास में जाने वाला है, बड़ा हो रहा है। हम चाहते हैं बचपन से इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि अगर बचपन से कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो फ्यूचर बहुत बढ़िया है भाई। और दोस्तों, स्कूल में ना बच्चा इंग्लिश में पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना तो वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते बच्चे, क्योंकि ना घर पे हम लोग ना वैसा माहौल नहीं बना पाते हैं। किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए घर पे वैसा ही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं रुद्रांश के लिए कैम्बली किड्स ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ पर रुद्रांश को मौका मिलेगा नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करने का और सीखने का। हाँ। तो रुद्दू की क्लास शुरू हो रही है, तो शुरू करें क्लास। यस, आई एम एक्साइटेड। यस, क्रिस्टीना, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रुद्रांश। Oh, Rudraj, nice to meet you. How old are you? I am 5 years old. Wow, very good. You're 5 years old. What do you like to eat? Chicken bat. I like chicken bat. Oh, very good. भात, एक्चुअली ही लाइक भात, भात मींस राइस, राइस, चिकन राइस। वेरी गुड। हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? माय नेम इज पीटर। पीटर, गुड। Very good. Good job. Yes. All right. Okay. Three is the dog. All right. Yes. मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि देवांशी भी रुद्दू के साथ सीख रही थी। दोस्तों, देरी किस बात की, आप भी अपने बच्चे के लिए कैम्बली किड्स ट्राई कीजिए। आजकल ना सिर्फ 10 रुपए में ट्रायल सेशन हो रहा है, आपके बच्चे के लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैम्बली किड्स के सारे लिंक शेयर कर दूंगा, तो प्लीज चेक आउट। हाउ आई एम लुकिंग? पापा, यू लुकिंग स्मार्ट। थैंक यू। चलो ब्लॉग शुरू करें। yes. आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी मार्केट बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने के लिए। हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पाए, आज टाइम मिला है तो जा रहे हैं। और सर्दियों के कपड़े रास्ते के लिए भी लेने है मेरे पास, और ले लेंगे। नहीं है। चलो। हेलो, हम लोग आईने मार्केट से ई रिक्शा में बैठ गए सरोजनी मार्केट के लिए, और मेरी बीबी सोच रही है कि आज मैं अपने हस्बैंड के पैसे कैसे खर्च करूंगी। मेरे भी पैसे है वो, ठीक है, जितना जरूरत होगी उतने ही तो खर्चा करूंगी। फालतू का खर्चा मैं नहीं करती, आपके जैसे। चल झूठी बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है।
इसके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरी YouTube फैमिली से मिल करके। थैंक यू सो मच। तू ही मेरी शॉपिंग कर ली है सारी ज़मीन, चाहे कहीं से चलो तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहां से हो आप सब? आप सब कहां से हो? मतलब दिल्ली में मैं कहां से? तुझते ही आते मतलब तुम्हें हंसते नहीं है क्या? हंसते नहीं है? मिले तो लम्हे थम गए तुम, इधर देखो दीदी नहीं आ रही। हेलो, कैसे हो आप सब? या बहुत खुशी हो रही है मेरी YouTube फैमिली में। कैसे हो तुम और शर्मा? तो जादू छा गया तुम। थैंक यू सो मच। राशि ना मेरे लिए पजामा लेने पे तुली हुई है, क्योंकि आप निकर पहनते रहते हो इसलिए। भैया आप रहे, अब राशि को एक स्वेटर पसंद आएगी, फिर राशि उसमें दूसरा कलर देखेगी, फिर राशि उसमें दूसरा डिजाइन देखेगी। रुदु इधर आओ यार, तुम एक ही पीस हो मेरे पास, खो मत जाना। पापा को दिखा। बड़ी है, काफी बड़ी है। राशि वहाँ देखो, वहाँ देखो। और ऊपर लटका दो बोलना। क्या जी? और ऊपर लटकाने के दोस्तों, जैसे पुलिस वाले भैया आ रहे हैं ना, तो सारे के सारे जो सेल लगी है ना, वो सब बंद हो जा रही है। अच्छी लग रही है। इसका ये साइज देख लो, मेरे बेटी पे आ जाएगा। कितने की है ये? 400 रुपए की। कम कराओ। कैसा लग रहा है? अच्छा बोलो, किसी कर बाबू दिखाओ। भैया दिखाना लड़के के लिए, नहीं लड़के के लिए। थैंक यू। अरे हंस तो लो। चैनल का नाम है? अरे क्या मेगियन फैमिली। मेगियन फैमिली ट्राई तो कर ले रे। भैया ट्राई नहीं कर सकते? तो जैसे मैं और पापा मम्मी के लिए कुछ लेंगे। देखो, ओ बाप रे, ये बहुत लालच रे बांद्रा के जन। भाई साहब, एक स्वेटर कितने की है? 500। वहां पर 200 लिखा है और तुम 500 बोल रहे हो? ये भाई खुश हो रहा है, 500 बोला है। देखो मुझे देखने दो। देवांशी, आपके लिए क्लिप लेनी है। कौन सी वाली? भैया ये सब प्लस क्या? ले ले, तोड़ेगा तो नहीं? देवांशी को ये बोतल अच्छी लगी है, पहनो। पापा पहले ले भी ले लो ये वाली बोतल। जब भी मैं ऐसे मार्केट से कुछ खरीदता हूँ ना, उसके बाद मैं दुकान वाले भैया को देखता हूँ, कहीं वो हंस तो नहीं रहा। अगर हंस रहा होगा तो मतलब महंगा दे दिया उसने हमें। ये देखो हंस रहा है। दोस्तों शॉपिंग बहुत हो गई, अब हम खाएंगे मोमोज। ओह माय गॉड, यस मेरा फेवरेट। अभी तो हमने 2 बार खा रहे हैं। पोल खोल दी इसने। अरे वो पनीर वाले हैं ना, मैं काटता हूं। तो पनीर रुदु देवांशी के लिए, वो हो गया, वो खा लेना। रुदु हम लोग ना अभी आईने मार्केट में है, तो यहाँ पर मोमोज अच्छे मिलते हैं, तो हमने सोचा कि खा करके जाते हैं। इनके फेवरेट है मेरे भी, रुदु के भी, एक्चुअली सबके फेवरेट है ये। चिकन बोलना जरूरी है?
और हाँ इसमें नाक चोर है। पहले नीचे रखो। अरे खाले वहाँ पे कोई नहीं है यार, लेन लगी पड़ी है, भाई खड़ा है, हर चीज में कोई देता आराम से। कम देख ले, 20 रुपए में मिटा दिया ना, आधे ले लेता है। नाक चोर है, पहले खा लो, ठंडा करेंगे। हाँ दोस्तों ये मैंने पूरा खा लिया। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी खाली तिजोरियां। हम लोग एक प्लेट और खा रहे हैं भाई। कैप्टन का खाना तैयार है। यहाँ पर इधर आओ यहाँ पर दो। आप बोलो ईट। आईज क्लोज। 1 2 3 स्टार्ट। ढूंढो अपनी बोतल पहले, कौन ढूंढता है देखते हैं। ढूंढो वाओ वाओ। अरे नाचो। दे दो। रुक जा बेटा, रुक दे रहे। रुक जा कैप्टन। नो बोल दे। ईट दे दे। पहले एक खाते हैं फिर दूसरा खाते हैं, ठीक है? मेरा प्यार कैप्टन खाना खाता है। हम एक दो दिन पहले सरोजनी मार्केट जा रखे थे सर्दियों के कपड़े लेने के लिए, तो आज आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया। तो दिखाएं। हाँ। पहले किसके कपड़े देखने? मेरे। हाँ। दोस्तों मैं बड़ा होके आर्मी पुलिस बनूंगा। हाँ। मम्मी ने मेरे लिए 4 पजामा एंड 1 जैकेट ले रखी है। वाओ। कैसे लग रही है? बहुत बढ़िया। थैंक यू। सरोजनी मार्केट में ये जैकेट हमको 300 रुपए की पड़ी और ये पजामे ना 100 रुपए के। अब हम देखेंगे देवांशी के लिए क्या लिया है। चलो। हमने देवांशी के लिए मैरून कलर की जैकेट ले रखी है जो हमें 300 रुपए की पड़ी। ऐसा लग रहा है बच्चा तेरे हाथ में होगा कोई। देवांशी को जैकेट इतनी अच्छी लगी कि देखो गले मिल गई। इसको भी दिखा दो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। बच्चों के जो पिछले साल के सर्दियों के कपड़े थे ना वो छोटे हो गए थे, तो हमने इस साल उनके लिए थोड़ा बड़े साइज के कपड़े खरीदे सर्दियों के लिए। क्या पता और भी खरीदने पड़े। बिल्कुल। हमने एक स्वेटर और लिए और एक फ्रॉक लिए जो गर्म है, और ये दो फ्रॉक हमको 100-100 रुपए की मिली और ये दोनों 300-300 रुपए के हैं। ये पूरा सेट है, इनके साथ पजामे भी है। पापा के लिए क्या लिया है मम्मी, बताओ तो मुझे। पापा के लिए हमने ये वाली हुड ले रखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये ना हमें 500 रुपए की पड़ी। दिखा, आपको दिखाती हूँ मैं। दिखा। लाइट पिंक कलर है और एक्स्ट्रा लार्ज साइज है इसका, क्योंकि मुझे जरा पेट छुपाना होता है। मैंने अपने लिए 3 स्वेटर ले रखी है, तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये वाली। एक एक करके पहन के दिखाओ। चलो, ये वाली स्वेटर मुझे 500 रुपए की पड़ी, और हम लोग प्राइस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट मार्केट में ना थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को कैसे शॉपिंग करते हैं। शायद हमने महंगा ले लिया हो सकता है। तो अब मैं आपको दूसरी स्वेटर दिखाती हूँ। ये वाली स्वेटर ना बुनी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये ना सिर्फ 100 रुपए की है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कैप्टन के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन ना कैप्टन के लिए जल्दी हम कपड़े लेंगे। आप लोग सोचते होंगे कैप्टन के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन कैप्टन के लिए जल्दी हम लोग कपड़े लेंगे। खाने पीने की चीजें तो इसके पास बहुत सारी है। हाँ। तो कपड़े जल्दी मैं इसके लिए लूंगा, मुझे ना आइडिया नहीं है जरा डॉग्स का। हाँ। और वैसे भी इसको ना बहुत गर्मी लगती है, ये अपने नीचे चादर भी नहीं रहने देता, उसको फेंक देता है। देखो मुझे फेंकेगा। चल मुझे फेंक दे कपड़े। हाँ इसके लिए ना मैं मस्त वाली टी शर्ट लूंगा। मस्त, ठीक है। चल रेड कलर। दोस्तों आई होप आपको हमारे शॉपिंग वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय। लव यू। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे।
लंच करना है भी। हाँ।